नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज आप हमारे सामने देख रहे हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट का फेसलिफ्ट मॉडल, जो कि आता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में, और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है आपको। और ये आपको टोटल 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेगी, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। और बात करें इसकी सेफ्टी की, तो सेफ्टी इतनी कुछ खास नहीं है, 2 स्टार मिले हुए हैं इसको ग्लोबल NCAP से। बाकी गाड़ी काफ़ी आपको स्पोर्टी मिलती है, और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं फेसलिफ्ट के बाद, हम उस वीडियो में उसकी भी बात करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। चलिए फ्रंट लुक्स की, तो फ्रंट से गाड़ी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, जहां पर आपको सबसे बड़ा चेंज इसकी ग्रिल में देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऐसी कुछ क्रॉस की डिज़ाइन में मिली है। और यहां पर आपको कुछ क्रोम गार्निश ऐड कर दी गई है, और साथ ही में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है बड़ा सा। नीचे आपको बम्पर काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कट्स एंड क्रीजेस हैं, और नीचे एयर डैम भी मिल जाता है एयर सर्कुलेशन के लिए, काफ़ी इससे माइलेज भी बढ़िया निकल के आती है। और यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, इन्हें आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं बाद में। और हेडलैम्प्स आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड मिलते हैं, हैलोजन में मिलेंगे आपको हेडलैम्प्स, और साथ ही में बल्ब वाला इंडिकेटर मिलता है। और बात कर लेते हैं साइड लुक्स की, तो साइड से गाड़ी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है। और सबसे पहले ध्यान आपका गाड़ी के ORVMs पर जाता है, क्योंकि इंडिकेटर आपको यहीं पर ही दे रखे हैं, और ORVMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, वो अंदर से ही एडजस्ट हो सकते हैं, और लेकिन ये आपको फोल्ड मैनुअली ही करने पड़ेंगे। और डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड ही मिलता है। और सबसे पहले आप देखेंगे तो ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर तीनों ही मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लुक देते हैं गाड़ी को। और विंडो गार्निश आपको ब्लैक कलर में ही मिलती है, लेकिन आप क्रोम भी लगवा सकते हैं एक्सेसरीज में बाद में, और डोर वाइजर भी लगवा सकते हैं आप एक्सेसरीज में। बात कर लेते हैं टायर साइज की, तो टायर आपको मिलता है यहाँ पर 165 AT R14 का, जहाँ पर आपको 14 इंच का स्टील व्हील मिलता है ब्लैक कलर में, और यहाँ पर आप व्हील कवर भी लगवा सकते हैं एक्सेसरीज में। और आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो आपको वाइपर्स भी मैन्युअली ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, मतलब अंदर से, मतलब ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलते हैं, साथ ही वॉशर मिल जाता है आपको। अब देखते हैं गाड़ी को रियर में क्या क्या मिलता है आपको, चले चलते हैं। तो रियर से गाड़ी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, और जो सबसे पहले ध्यान जाता है गाड़ी की टेल लाइट्स पर जाता है, काफ़ी अच्छी लगती हैं ये टेल लाइट्स। और यहाँ पर आपको ये कुछ सी टाइप में LED जब जलती हुई दिखेगी तो काफ़ी अच्छा लुक देती है वो। और स्टॉप लाइट आपको कुल LED में मिलती है, इंडिकेटर और बैक लाइट के साथ में मिलेगी आपको ये। नीचे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, चारों पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको, और साथ ही में आपको यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, स्विफ्ट की बेजिंग मिल जाती है आपको। रियर ग्लास पर आपको कोई वाइपर या डिफॉगर नहीं मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा आपको, ऊपर आपको मिनी एंटीना मिल जाता है। बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, तो बूट खोलने के लिए आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया हुआ है, यहाँ से बूट टेल गेट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले पार्सल ट्री मिल जाती है, काफ़ी डीप बूट मिलता है आपको, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है बूट में भी। और बात करें स्पेयर टायर की, तो स्पेयर टायर भी आपको बाकी टायर्स के सेम साइज़ का मिलता है, जो कि 14 इंचेस का ही है, स्टील व्हील ही मिलता है आपको, कोई बूट लैंप नहीं मिलता है आपको यहाँ पर। और सीट आपकी फोल्ड भी हो जाती है, बेंच सीट फोल्ड होती है, इसकी बात हम आगे करेंगे, आपको फोल्ड करके दिखाएंगे कैसी लगती है। और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, और देखते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या क्या चेंजेस मिले हैं, तो चलिए चलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, लेकिन इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको गाड़ी की दिखाना चाहूँगा, जो कि कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है आपको। लॉक और अनलॉक दोनों ही बटन मिल जाते हैं आपको, लॉक करने पर एक बीप आती है और अनलॉक करने पर 2 बीप आती हैं, और अगर आप दूसरी बार अनलॉक करेंगे तो सारे डोर ओपन हो जाएंगे। अब अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। जैसे ही आप ड्राइवर साइड डोर ओपन करेंगे आपको फुल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट की, तो सीट काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पर आपको, साइड में सपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जो कि काफ़ी स्पोर्टी सी फील देती है गाड़ी में बैठने के बाद। और ये आपको रेक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं इसमें आप, और हाइट एडजस्टेबल में मिलती है आपको, और डिस्टेंस भी एडजस्ट कर सकते हैं आप इसमें। और बात करें डोर की, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा डोर मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक कलर में ही मिलता है आपको सॉफ्ट टच भी, और यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर्ड प्लास्टिक मिलता है, काफ़ी अच्छा लुक देता है ये, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम सबको पता ही है कि 2 स्टार मिले हैं तो कितनी अच्छी होगी, लेकिन जो नया फेसलिफ्ट आया है उसमें भी काफ़ी बेकार बिल्ड क्वालिटी कर दी गई है इसकी। यहाँ पर आपको
हैंडल मिल जाता है डोर क्लोज करने के लिए। यहाँ पर पावर विंडोज के कंट्रोल मिलते हैं, ड्राइवर साइड विंडो आपको ऑटो डाउन फीचर्स के साथ मिलती है, और लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाता है। ये ORVM को एडजस्ट करने के लिए जॉयस्टिक मिलती है, और साथ ही में आपको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। ऊपर आपको ये क्रोम में डोर हैंडल मिल जाता है लॉक अनलॉक करने के लिए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको। यहाँ पर देखेंगे तो आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, और यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप से जुड़ा हुआ बटन मिल जाएगा, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं इसे। और कुछ ऐसे AC वेंट्स मिल जाते हैं, ब्लैक कलर में ही मिलेंगे आपको, सिंपल, कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है इसमें। आप अंदर चल के देखते हैं कि और क्या फीचर्स मिलते हैं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की, तो कुछ ऐसा स्टीयरिंग मिलता है आपको, डी कट स्टीयरिंग मिलता है, काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है, सिल्वर एसेंस के साथ मिलता है, और यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, और हॉर्न भी काफ़ी तेज है इसमें। और दो एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको गाड़ी में, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड। और यहाँ पर मैं पहले टी इंसर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम के, ये कॉल से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं, कॉल काटने के, उठाने के और ब्लूटूथ के। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, ट्रैक को आगे पीछे कर सकते हैं, और यहाँ से म्यूट कर सकते हैं आप। और ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आप हेडलाइट्स के लिए कंट्रोल मिलेंगे आपको, इंडिकेटर के लिए भी कंट्रोल है यहाँ पर ही, और यहाँ पर आपको वाइपर्स से जुड़े हुए कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और बात करते हैं MID की या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है, और साथ ही में स्पीडोमीटर मिलता है। काफ़ी डिज़ाइन अच्छी दी गई है जो कि काफ़ी इसको स्पोर्टी लुक देती है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे, बीच में आपको छोटी सी MID दी गई है, साथ ही में थोड़ी सी वार्निंग लाइट्स भी मिल जाती हैं आपको। और यहाँ पर आपको ये जॉयस्टिक दी गई है, अगर इसको टॉगल करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रिप दिखाएगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये टोटल डिस्टेंस ड्रिवन भी दिखाता है यहाँ से आपको, और फ्यूल गॉज मिल जाता है आपको यहाँ पर भी। और इधर की तरफ जब टॉगल करेंगे आप तो ये आपको दिखाएगा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज कितनी बची हुई है गाड़ी में, और कितना एवरेज दे रही है गाड़ी, और साथ ही में टाइम भी दिखाता है ये। और थोड़े से और फंक्शंस मिलते हैं जो कि अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं। और यहाँ पर इंजन टेम्परेचर के लिए कोई चीज़ नहीं दे रखी है। और अब अंदर की तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर आपको बीच में ये AC वेंट्स मिल जाते हैं, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इनका, अलग से दिखते हैं और स्पोर्टी लुक देते हैं काफ़ी ये। और यहाँ पर आपको हेजर्ड लैंप के लिए स्विच मिल जाता है। और सबसे बड़ा चेंज VXI मॉडल में हुआ है कि यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है, ये पूरा टच तो नहीं है लेकिन ये जो बटन्स हैं ये टच के हैं दिए हुए हैं इसमें। और ये भी, ये आपको बलिनो में और स्विफ्ट डिज़ायर में भी अब यही आने लगा है। और यहाँ पर आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कूल हीटर और AC का बटन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर ये फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए मिल जाता है, और साथ ही में आपको नीचे 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट मिलता है, और यहीं पर आपको USB और AUX का भी पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा कभी स्पेस मिल जाएगा आपको, दो कप होल्डर्स मिलते हैं। और यहाँ पर आपको 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का गियर लीवर मिलता है। और एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ऐसा लग रहा है कि इनमें कुछ इंक भर दी गई है, कुछ टाइम बाद ये इंक ख़राब होकर दिखेंगे ही नहीं, नंबर ब्लैक कलर में छुप जाएंगे। और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है कुछ पर्स वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिलता है क्रोम बटन के साथ में। और ये को ड्राइवर साइड सीट भी आपको ऐसी ही मिलती है, और सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर एक सिल्वर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है ये, लेकिन प्लास्टिक इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है। और ये जैसे हमें पता है कि मारुति अपनी गाड़ियाँ पार्ट्स में बनाती है, तो ये देखिए ऐसे कुछ हिलता है, और अभी तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इतना बढ़िया बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी की। और बात करें IRVM की, तो यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM मिलता है जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है। और यहाँ पर आपको रूफ लैम्प हैलोजन में ही मिलता है जो कि सिर्फ आगे ही मिलेगी आपको। और यहाँ पर आपको ये ब्लूटूथ से जुड़े हुए माइक मिल जाते हैं कॉल वगैरह के लिए। और बात करें सनवाइज़र की, तो ड्राइवर साइड सनवाइज़र पे आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, टिकट होल्डर ज़रूर मिल जाता है आपको। और यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड सनवाइज़र पे वैनिटी मिरर ज़रूर मिल जाएगा। एक बार ग्लोव बॉक्स भी चेक कर लेते हैं कितना बड़ा मिल जाता है आपको। यहाँ पर कुछ इतना बड़ा ग्लोव बॉक्स मिलेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ तो है नहीं। और मैं इसके बारे में एक चीज़ बताना भूल गया, ये 4 डोर स्पीकर के साथ आता है, और USB AUX ब्लूटूथ सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है ये।
और अब चलते हैं गाड़ी के रियर में और देखते हैं कि रियर से आपको गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं और क्या क्या यूटिलिटी की चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए गाड़ी के रियर में जाने के लिए यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पर ना देकर उन्होंने यहाँ पर दे रखा है। जैसे आप ओपन करते हैं यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर में ही डोर मिलता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आपको। यहाँ पर कोई सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा अलग जरूर दिखता है ये। यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है, पावर विंडो का बटन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर बोतल स्पेस मिलता है और ये आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी आपको। और सीट कवर्स आपको ब्लैक कलर में ही मिलते हैं गाड़ी के, और आप अपनी चॉइस का कोई भी सीट कवर लगवा सकते हैं बाद में। और गाड़ी की कुशनिंग, मतलब सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है आपको, और सारे सीट बेल्ट्स मिल जाएंगे आपको, आइसोफिक्स चाइल्ड भी मिल जाता है आपको। अब गाड़ी में बैठ कर देख लेते हैं कितना स्पेस मिलता है। जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं कुशनिंग तो काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, और लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। आगे की सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, 5'8" मेरी हाइट है, और इसी के साथ साथ हेड रूम भी काफ़ी डिसेंट मिलता है, बहुत ही कम जगह बचती है लेकिन सही है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंफर्ट रहेंगे अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो, और पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब गाड़ी के आगे चल के बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की और इंजन की, तो चलिए चलते हैं। बात करें गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तो ध्यान से सुनिएगा कि इसमें आपको कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD और ब्रेक असिस्ट भी, प्री सीट फ्रंट सीट बेल्ट, प्री डेंसलर, प्री पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस, आइसोफिक्स विद चाइल्ड सीट एंकोरेजेस, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, इंजन इमोबिलाइजर मिलता है आपको, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम मिल जाएगा, डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM मिलता है, स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक मिलते हैं, यानी कि गाड़ी जब आपकी 15-20 की स्पीड से ऊपर जाएगी तो अपने आप डोर लॉक्स हो जाएंगे, और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलता है। और इसमें आपको हेडरेस्ट फ्रंट के तो एडजस्टेबल मिलते हैं लेकिन रियर में कोई आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, और ग्रैब हैंडल आपको सॉफ्ट मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है ये। और डूम लाइट मैंने आपको बताई थी सिर्फ फ्रंट में ही मिलती है। और अब बाहर चलते हैं और देखते हैं कि इंजन में आपको क्या क्या मिल जाता है और कैसा इंजन मिलता है आपको, कितनी माइलेज देता है, तो चलिए चलते हैं। बोनट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर लीवर दिया हुआ है, जैसे आप इसे खींचेंगे तो आपका बोनट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ये फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर मिलता है, इसको ऊपर करेंगे तो फ्यूल लिड भी ओपन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंजन की, चलिए चलते हैं। बात करें इंजन की तो यहाँ पर आपको एडवांस्ड के सीरीज डुअल जेट 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है 4 सिलेंडर्स के साथ में, और ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम करता है, और साथ ही में आपको यहाँ पर इंसुलेशन भी मिल जाती है, और नीचे आपको अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। और ये इंजन पावर जनरेट करता है 90 हॉर्स पावर की, और टॉर्क जनरेट करता है 113 NM का। और बात करें इसकी माइलेज की तो ये माइलेज देता है 23 KMPL की। बात करें गाड़ी के प्राइस की तो ये गाड़ी आपको पड़ती है 6.36 लाख एक शोरूम नई दिल्ली, और ऑन रोड आपको ये पड़ेगी 7.23 लाख की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, इसका कारण ये था कि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उनकी तैयारी में ही लगा हुआ हूँ मैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तब तक के लिए अभी वीडियो आपको 2-3 वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी, तब तक के लिए मुझे माफ़ करें और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे मोरी भैया।